हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। वहीं क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे आपराधिक मामले शहडोल की कानून व्यवस्था व पुलिस प्रशासन की अपराध को लगाम लगाने की कोशिशों पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि शहडोल जिला मुख्यालय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मामूली विवाद के चलते एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दिया। शहर के मध्य मोहन राम तालाब के समीप जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां नशेड़ी व आवारा तत्वों का जमघट बना रहता है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ मेरे छोटे भाई अब्दुल उमर का फ़ोन आया कि वहाँ मारपीट हो रही मोहनलाल तलवा के ऊपर, उसको पकड़ के रखे हैं, छोटे भाई को जाके देख। तो मैं वहाँ जाके पहुँचा तो घटना स्थल पे वो नहीं था, तो उसकी गाड़ी टूट फूट के पड़ी थी। तो मैं वहाँ पास जैसे पहुँचा हूँ और मेरे को खबर मिली कि उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल पहुँचा तो उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। वो उस समय ठीक ठाक था, स्ट्रेचर में था। तो मैं उसके पास गया, मतलब भैया क्या हो गया, ऐसे गोदी में लिया तो उसने नाम बताया दीपक सराफ का और सोनू हाँ शुभम बत्रा का और क्या गोलू केवट का और सोनू चौरसिया और मिंटू चौरसिया और शुभम बत्रा और लक्की साहू, ये लोगों का नाम बताया उसने और मेरे गोद पे उसने दम तोड़ दिया। मैं था और मेरा दोस्त रोशन था, हम दोनों के सामने घटना घटी। मेरा नाम मोहम्मद सादिक अंसारी। इस घटना के बाद क्षेत्र के बिगड़े माहौल को देखते हुए पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मर्ब कायम कर लिया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस अभी पूछताछ कर रही। इस तरह की आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं वहां पर होती रहती हैं, जिसकी शहर के लोगों ने कई बार पुलिस को जानकारी दी थी, इसके बावजूद पुलिस इस पर ध्यान नहीं दी, जिसके चलते एक बड़ी वारदात यहां पे हो गई है। हमारे सहयोगी ने जिले के एडिशनल एसपी मुकेश वैद से बात की। थाना शहडोल में कोतवाली में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। उस पक्ष में अपराध 873, अपराध क्रमांक 873, धारा 302, 294, 334 का पंजीबद्ध हुआ है और इसमें जो हत्या का अपराध हुआ है, इसमें खास बात यह थी कि दोनों पक्ष के लोग जो हैं वो किसी एक विशेष जगह पर थे, वहाँ उनका शराब पीने को लेके और एक अन्य कारणों से विवाद हुआ, चाकू मारने से उसकी हत्या हो गई है। 5 आरोपी नामजद हुए हैं, 5 आरोपियों से एक आरोपी हमने राजेश सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और 6 आरोपियों की तलाश के लिए पूछताछ भी जारी है। अलग अलग स्थानों पर हमारी टीम आरोपियों की तलाश में गई हुई है। क्या कारण है कि हत्या हुई? अभी जो प्रथम दृष्टया कारण ये मालूम हुआ है कि ये लोग किसी जगह पर बैठ के दारू वारू शराब वराब की पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान इनमें किसी पुराने मुद्दे को लेकर कहा सुनी हुई और उस पर से किसी व्यक्ति ने इसको एक आरोपी ने चाकू मार दिया है। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है और 6-4 आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। पर्यावरण के बारे में ज़रूर सोचिए, जैसे कि कमरे में बिना वजह लाइट मत जलाइए, थोड़ी सी दूर जाना हो तो उसके लिए बाइक या कार मत निकालिए, पैदल जाइए। ब्रश कर रहे हों या दाढ़ी बना रहे हों तो नल को खुला मत छोड़िए। और भी बहुत सारे कदम हो सकते हैं जो हम पर्यावरण को बचाने के लिए उठा सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।